अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद तस्मी। हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। इसके लिए 1 किलो गाजर लें, इन्हें धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें। 1 कप चीनी लेंगे, 1 कप दूध लेंगे, 1 कप देसी घी लेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे, 1/2 कप टेट्रा पैक क्रीम लेंगे, आप इसकी जगह घर की मलाई भी ले सकते हैं, 1/2 कप अखरोट लेंगे, इन्हें मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, 1 पाव खोया लेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डालें। ये देसी घी मैंने उसी 1/2 कप में से लिया था। और इसमें अखरोट डालकर उन्हें रोस्ट कर लें। गाजर में दूध डाल दें और साथ ही चीनी शामिल कर दें। इसे मिक्स कर लें और हल्की आंच पर ढककर गाजर गल जाने तक पका लें। आंच तेज़ नहीं करनी वरना गाजर जल जाएंगे। देखिए गाजर गल चुकी हैं। आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा, ये हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला बल्कि गाजर और चीनी का अपना पानी है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे और साथ ही इलायची पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें देसी घी डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। घी ऊपर आने लगा है, इसका मतलब ये भुनना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर इसे अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें अखरोट डाल दें। और आधा खोया डाल दें। आधा खोया हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। इसे मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें। गाजर का हलवा तैयार है। इसे खोया और पिस्ते से गार्निश करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। अगर आप मज़ीद कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।